very good morning to all of you dear students students uh, as all of you know that our revision of second chapter fun with number is going on so students today i will take the topic skip counting uh, uh, students in my previous lecture i explained about forward counting and backward counting so under the revision today i am again रिवाइजिंग एंड अगेन एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स को बैकवर्ड काउंटिंग में प्रॉब्लम हुआ था तो आज मैं थोड़ा सा बैकवर्ड काउंटिंग आपके पास फिर से लेके आई हूँ बच्चों देखिए स्किप काउंटिंग स्किप काउंटिंग का मतलब होता है स्किप करके आगे बढ़ना और नॉट ओनली आगे बढ़ना वो पीछे आना भी हो सकता है ये देखिए स्किप मतलब स्किप करना बच के निकलना मतलब रेगुलरली काउंटिंग में वन टू थ्री फोर इस तरह से नहीं चलना तो स्किप काउंटिंग हमारे पास दो तो टाइप की होती है दिस इज फॉरवर्ड काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग मतलब आगे जाना एंड बैकवर्ड काउंटिंग बैकवर्ड मतलब पीछे आना देखिए मैंने आपके पास एक ये पिक्चर बनाई हुई है कि ट्रेन के पिक्चर आपको दिख रही होगी एज अ ट्रेन चलिए हम लोग मान के चल रहे हैं से है ना ये देखिए स्टूडेंट्स दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है जीरो वन टू थ्री फोर कहाँ पे एंड सो ऑन कोई एंड नहीं है बस सो so ऑन आगे बढ़ते जा रहा है जैसे कि आपको काउंटिंग है ही आपके पास पता हो गया आपको और बैकवर्ड काउंटिंग में है बच्चों देखो स्टार्टिंग कहाँ से, से हो रही है बस आपको स्टार्टिंग देखनी है आप देखेंगे स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ एंड पॉइंट तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है किसी भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है पर आप धीरे धीरे देखेंगे वो पीछे पीछे आ रहा है तो जब ये पीछे पीछे आता है तो हम लोग इसे कहते हैं बैकवर्ड आपको एक बात याद रखनी है फॉरवर्ड काउंटिंग uh, हमेशा आपकी जीरो से स्टार्ट हो जाएगी जीरो वन टू थ्री मतलब मैं काउंटिंग के बाद मैं जीरो बेटा इसलिए लेके चल रही हूँ बट नेचुरल नंबर में तो हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं बट क्योंकि आपको इसमें uh, जब काउंटिंग करते हैं हम लोग उसमें जीरो डिजिट का यूज होता है दैट्स वाई आई एम टेकिंग नंबर जीरो ओके okay, तो टू की लाइन थ्री की लाइन इस तरह से फॉरवर्ड काउंटिंग में आगे बढ़ना है और बैकवर्ड काउंटिंग में आपको किस तरह से आना है पीछे आना है नाइन की लाइन के बाद एट की लाइन फिर सेवन की लाइन फिर सिक्स की लाइन फिर फाइव की लाइन ऐसे आपको पीछे आना है स्टूडेंट्स फॉरवर्ड काउंटिंग समझाने के लिए मैंने देखिए चार्ट बना रखा है मैंने वैसे पूरा तो नहीं किया क्योंकि काउंटिंग आपके आती ही है बचपन से आप लोग इसी को पढ़ते जा रहे हैं है ना तो इस पर बस एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मैंने ये बनाया है ये देखिए फॉरवर्ड काउंटिंग को हम लोग करेंगे किस तरीके से आपको पता है वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे टेन उसके बाद इलेवन फिर ट्वेंटी तक फिर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू थर्टी के बाद थर्टी वन थर्टी टू फोर्टी उसी तरह से नाइन्टी वन नाइन्टी टू और हंड्रेड तक तो फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब हम ये तो वन डिजिट नंबर हो गए उसके बाद टू डिजिट नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है तो देखिए आप इनके सबके आगे, आगे आपने बचपन में पढ़ा होगा मम्मा ने कैसे आपको लर्न कराया था टीचर्स ने कैसे लर्न कराया था आपको कि आपको वन 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 तो सेम रखना है पीछे का फॉरवर्ड कर देना है दोबारा से फिर ट्वेंटी के बाद फिर आगे से टू 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 सेम रहेगा पीछे का सेम हो जाएगा है ना इसी तरह से लर्न किया था तो वैसे ही देखेंगे वन की लाइन टू की लाइन थ्री की लाइन फोर की लाइन ऐसे ही बढ़ते बढ़ते नाइन की लाइन उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग की बात करेंगे बैकवर्ड मतलब पीछे आना तो अगर मैं हंड्रेड से लेते हुए चल रही हूँ तो हंड्रेड के बाद बैकवर्ड पीछे मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड काउंटिंग हमेशा एक बात ध्यान रखना है नाइन देन एट देन सेवन देन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड देन जीरो इस तरह से पीछे आना है तो आप ये देखेंगे नाइन की लाइन एट की लाइन फिर सेवन की लाइन सिक्स की लाइन फाइव फोर थ्री टू वन दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग ना स्टूडेंट वी विल टेक एग्जाम्पल्स बच्चों के क्लास थर्ड की बात की जाए तो आपके पास जो स्किप काउंटिंग आती है चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो वो आती है बैकवर्ड काउंटिंग या फॉरवर्ड काउंटिंग बाय टू बाय फाइव बाय टेन बाय फिफ्टी बाय हंड्रेड बाय ट्वेंटी फाइव एंड बाय फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड भी वैसे मुश्किल है बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है ये तो मुश्किल है बट ये आपके पास आती है तो क्योंकि बैकवर्ड काउंटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा आपको टफ लगता है तो हम चलो बैकवर्ड काउंटिंग एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए सबसे पहले बाई टू ये देखिए फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड फिफ्टी एट फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स आई एम श्योर ये आसान लग रहा होगा आपको इसको आप अपने बच्चे को किस तरीके से समझाएंगे आप इस तरीके से समझाएंगे ये देखिए फोर 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 रिपीट हो रहा है तो अंडरस्टूड है फोर फोर इस तरह से आएगा फिर पीछे देखेंगे आप इसको ध्यान से दिखाएंगे दिस इज सिक्सटी उसके बाद फिफ्टी नाइन को खा लिया फिफ्टी एट बताया था रैबिट यानी कि बनी खा रहा है बीच बीच में जो स्किप हो रहा है सिक्सटी के बाद फिफ्टी नाइन खा दिया फिफ्टी एट आ गया फिफ्टी सेवन खा दिया फिफ्टी सिक्स आ गया फिफ्टी सिक्स के बाद बैकवर्ड काउंटिंग में क्या बताया था फिफ्टी फाइव खा दिया क्या आएगा फिफ्टी फोर वेरी गुड फिफ्टी फोर के बाद फिफ्टी थ्री खा दिया फिर क्या आएगा फिफ्टी टू मैंने कहा था फोर 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 रिपीट हो रहा है फिफ्टी टू के बाद फिफ्टी वन खा दिया फिफ्टी वन के बाद बैकवर्ड काउंटिंग ने क्या बताया था फिफ्टी एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट्स ना अनदर एग्जाम्पल देखिए ये है आपका एग्जाम्पल वाई फाइव का देखिए सेम है थ्री हंड्रेड नाइन्टी थ्री हंड्रेड एट्टी फाइव थ्री हंड्रेड एट्टी आप बच्चे को कैसे समझाएंगे देखिए सब पे थ्री आ रहा है इज इट क्लियर तो थ्री इनमें भी थ्री आएगा सबके आगे हमने थ्री लिख दिया अब हम लोग बात करेंगे पीछे के नंबर्स की देखिए नाइन्टी एटी फाइव एटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखिए इसमें हम अगेन इस टेबल का यूज़ कर लेते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे देखिए पहले आया नाइन्टी नाइन्टी के बाद आया एटी फाइव एटी फाइव के बाद आया एट्टी तो कैसे आ रहा है नाइन्टी के बाद एटी फाइव कैसे आया दो तरीके हैं नाइन्टी के बाद देखिए बनी ने क्या खाया वन टू इसको भी खा दिया इसको भी खा दिया इसको भी खा दिया तो बनी ने फोर खा दिए और पाँचवा नंबर हमको लिख देना है वही हुआ फिर एटी फाइव लिख दिया एटी फाइव के बाद फिर बनी ने वन टू थ्री फोर खाने थे ना फिर एट्टी लिख दिया एट्टी के बाद फिर कितने खाएगा बनी फोर खाएगा वन टू थ्री फोर खा दिए तो अब कितना आएगा सेवेंटी फाइव तो उस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं नाइन्टी एटी फाइव एट्टी एंड देन आएगा सेवेंटी फाइव दूसरा तरीका क्या है बच्चों हम लोग इसे इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नाइन्टी के बाद एट्टी फाइव एटी फाइव के बाद एट्टी एटी फाइव के बाद सेवनटी फाइव फाइव के बाद क्या आ जाएगा सेवनटी फाइव फाइव का गैप आ रहा है नहीं आ रहा है देखिए जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो लास्ट डिजिट की अगर मैं बात कर रही हूँ अभी थ्री 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 तो स्टार्टिंग था लास्ट की देखिए जीरो फाइव जीरो फिर यहाँ पर आएगा फाइव फिर आएगा जीरो फिर यहाँ पर आएगा फाइव श्योर इजी अब बीच में क्या आएगा बीच का नंबर क्या आएगा देखिए इधर आ रहा है 75 फाइव इधर आ गया 70. अब 70 के बाद दोबारा तो सेवन की लाइन के बाद के बाद दोबारा 75 तो नहीं आ सकता सेवन नहीं आता सेवन के बाद है तो क्या आ जाएगा 65, अगर एक और नंबर निकालना है आगे तो देखिए उसी में प्रोसेस में चलते हैं हंड्रेड डिजिट थ्री रिपीट हो रही है की करेंगे, तो सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव के बाद किसका नंबर आ गया फाइव के बाद अगेन जीरो का नंबर है ना अब सिक्सटी फाइव के बाद यहाँ पे आप थ्री फिफ्टी तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हर एक के दो दो नंबर आ रहे हैं एट के दो सेवन के दो सिक्स के भी दो है ना मैंने बहुत तरीके आपको सिखा दें जो आपका बच्चा जिसमें कंफर्टेबल हो पेरेंट्स आप लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं देखिए यह है हंड्रेड तो सबसे आसान है तो सभी को अच्छे से आ रहा होगा डबल जीरो रिपीट हो रहा है तो डबल जीरो रिपीट हो गया आगे की बात करेंगे फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स इसका मतलब ये फॉरवर्ड काउंटिंग आ गई कौन सी काउंटिंग आ गई फॉरवर्ड फोर फाइव सिक्स के बाद सेवन एंड एट दिस इज़ फॉरवर्ड काउंटिंग एग्जाम्पल ऑफ फॉरवर्ड काउंटिंग लास्ट वन देखिए थ्री थ्री हंड्रेड टू नाइन्टी टू एट्टी किसका गैप है एग्जैक्टली exactly. टेन का गैप थ्री हंड्रेड के बाद टू नाइन्टी टू एट्टी तो हम देखेंगे टू रिपीट होगा नाइन्टी के बाद एट्टी एट्टी के बाद सेवनटी ये तो सबसे आसान होता है बच्चों को सबसे ईजी लगती है टेबल है ना अभी ये देखिए पेरेंट्स अभी क्योंकि आप लोग इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों के सामने तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं देखिए बेटा चाहे बाई फिफ्टी है बाई ट्वेंटी फाइव है बेटा इसके लिए बहुत आसान है आप लोग टेबल तो आपने देखा होगा बचपन में आप लोग सबसे पहले फाइव की टेबल हो गई टेन की टेबल हो गई ट्वेंटी की टेबल हो गई सबसे पहले आप लोग ईजीलिए और इलेवन की टेबल होगी सबसे आसान से हम आप लोग सबसे पहले इसको लर्न कर लेते हैं तो उसी तरह से बेटा आपको ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी की टेबल भी लर्न करनी होगी है ना जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फॉरवर्ड काउंटिंग हो या बैकवर्ड काउंटिंग है इसके लिए बेटा आपको टेबल लर्न करोगे तो सबसे आसान रहेगा टेबल देखिए कितना ईजी होता है ट्वेंटी के देखिए ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी ट्वेंटी टू जा फोटी टन ट्वेंटी थ्री जहा सिक्सटी कुछ नहीं है जीरो 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 रिपीट हो रहा है आगे टू की टेबल चल रही है देखिए ना टू वन टू टू जो फोर टू थ्री जाोर जा टाइव जा सेम ऐसे ही बढ़ता रहेगा उसी तरह से ट्वेंटी फाइव की टेबल देखिए कितनी आसान है अब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी जावेंटी फाइव ट्वेंटी जा ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड ट्वेंटी जावन जावेंटी जा टू हंड्रेड तो आप लोग इस तरह से आराम से याद कर लेना कि जब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का गैप होता है तो एक मतलब वन से हंड्रेड आपका चार पार्ट में डिवाइड होता है उसी तरह से वन हंड्रेड वन से लेकर टू हंड्रेड आपका फिर चार पार्ट में डिवाइड होगा देखिए ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव हंड्रेड फिर ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव हंड्रेड इजी उसी तरीके से आपका आता है टेबल ऑफ फिफ्टी टेबल ऑफ़ फिफ्टी भी आप लोग इसी तरह से फिफ्टी वन जा फिफ्टी टू वन टू फिफ्टी टू जा हंड्रेड फिफ्टी थ्री जा वन फिफ्टी फिफ्टीन फोर जा टू हंड्रेड सेम बच्चों बहुत आसान होता है ये लर्न करना और ऐसे ही आपकी बैकवर्ड काउंटिंग भी इसमें ईजीली हो जाएगी बस थोड़ा सा आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका यूज़ होगा है ना आई होप आप समझ के होंगे और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तो आज के लिए आपका टास्क यही है सबसे पहले कि आपको ये तीनों टेबल लर्न करनी है